हेलो एवरीवन, आप लोग ने सुना ही होगा कि सीबीएसई ने अनाउंसमेंट की है। जो भी स्टूडेंट अगर इस डाउट में हैं कि उनके पेपर होने हैं या नहीं होने हैं, तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपने जब इतने मंथ स्टडी कर ली है तो 1 मंथ और ऑलमोस्ट रह गया है, क्योंकि मई से फर्स्ट वीक से आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग 1 मंथ और अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, क्योंकि अगर आपने इस मंथ में सोचा कि नहीं, बहुत सारे ट्यूट हो रहे हैं और हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इतनी मंथ पढ़ाई करने के बाद वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि जो भी एग्ज़ाम डेट शीट आपको बताई गई थी, उसी डेट पर एग्ज़ाम अभी होने हैं, ऐसा अभी तक अनाउंसमेंट कहा गया है। आगे क्या होता है वो नहीं पता, बट अभी वही मानकर चलिए कि जो आपको डेट शीट बताई गई है उसी पर आपके एग्ज़ाम होंगे। गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। आप लोग की सेफ्टी के लिए 40 से 50% सेंटर को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि एक एक सेंटर पर कम बच्चे बैठें और आप लोग सेफ वहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएँ। तो बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मैंने आज से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी लगवाने शुरू कर दिए हैं, तो चैप्टर वाइज हम लोग एग्जाम्पलर भी लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल पर विजिट करके एग्जाम्पलर, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविज़न कर सकते हैं।